जिंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी, मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो के खराब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरत जी से, जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी, प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूंगी कि प्यार करते हो तो तुमको तो जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना, तो मैं शुरुआत करनी हूँ अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ छुपा छुपा के। जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई है, और कोई लड़की होती ना उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना, पहले चिल्लाएंगे अपनी औकात दिखाएंगे फिर प्यार से बोल देते। फिर कोई ये था, मैं डरती थी, 18 साल की शादी थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं सहन कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन कर ली। मैंने मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना, फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब के मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी, कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी, तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को, मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे पूरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी, मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी, जनीचे जो है, तो आज बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पतीते पिटवाते थे मेरे को ये लोग जो नीचे बैठे, धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली घुट घुट के मैं हो गई हूँ परेशान। अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सुलूक किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करी। परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है, मेरी माँ को, मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है, सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी की कहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा, जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी, सब लोग, फिर भी मैंने एक सहन करी कि अपने पहले पति को भूल गई। भाई ऐसी हालत करेगा कौन, नहीं भूलेगा। आगे दिखाई है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही कि सूरज ऐसा था, उसे जानवरों की तरह मारता था। आप लोग भी जरूरी, मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी, उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था, मुझे कुत्तों की तरह। जब पता, मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे, मेरा गला बंद कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी ही होगी, सपना की स्नैपी गर्ल की। मतलब मुझसे रहा नहीं गया, अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं उसके लगातार कंटिन्यू मैं उसकी ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने के बाद भी वो हमेशा खुश होकर वीडियो बनाती है, और हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती है, हमेशा अच्छा ही करती है सबके साथ। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान कभी किसी किसी के साथ मतलब इतना दुख दे देते हैं, इतना दुख दे देते हैं उनकी जिंदगी में कि उनके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सपना के ब्लॉग में अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब सूरज कैसा था और वो कैसा बताती थी, तो वो सब देखने के बाद मतलब दिल टूट गया है। मतलब इतना, मतलब आप लोग ये समझिए कि मैं उसके वीडियो देखने के बाद मैं रात रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बस उसी का ही सोचती रहती थी कि मतलब एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी मतलब रियलिटी क्या होती है, और ये किसी को भी नहीं पता।
कि क्या रियलिटी होती है, मतलब कितना खुश होके दिखाना पड़ता है अपने सोशल मीडिया में आने के लिए कि हम कितना खुश हैं, ये हमको जताना पड़ता है, और रियल में हम कितना दुख है वो हमको छुपाना पड़ता है। मतलब समझ में नहीं आता यार, ऐसे भी लोग होते हैं जिंदगी में। और फ्रेंड्स, ये कुछ क्लिप कल के वीडियो की है, जो सपना का पूरा घर तहस नहस हो गया उसके बाद वो जो वीडियो डाला था उसकी कुछ पिक्स हैं। मैं बता दूं कि मतलब उनके ससुराल वालों ने इतनी ही गंदी हरकत करी कि सबसे पहले अंशु को से अलग कर दिया। सच में मुझे बहुत रोना आया, बहुत ही ज़्यादा रोना आया कि ये लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। जिस बेटी को 4 साल से पाला है उसी बेटी से कह दिया कि तुम्हारे वजह से मेरे घर में लड़ाई होती है, तुम्हारे वजह से मेरे घर में दरार पड़ रही है, तुम नहीं रहोगी तो वो भी नहीं रहेगी, तुम्हारा साथ ज़्यादा है, ये है वो है, मतलब अंशु को 50 बातें सुनाई और उसको घर से निकाल दिया। वो अपने अब अपने मम्मी पापा के पास चली गई और इधर सपना का बुरा हाल है रो रोकर, और यहाँ अंशु भी कह रही है कि भाभी मैं आपका ही साथ दूंगी। भाई वो इतनी भी छोटी नहीं है कि वो गलत का साथ देगी, उसको पता है कि सच क्या है, इसलिए वो उसका साथ देती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा सच का साथ देते हैं, भले ही उनके अपने क्यों ना हो, जो अगर गलत करते हैं तो उनका साथ नहीं देते हैं, उन्हीं में अंशु भी। अंशु बहुत ही ज़्यादा प्यारी और समझदार लड़की है, सच में इतना समझदार होना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। जिस घर की बहू के साथ ऐसा होता है उसी घर की बेटी मतलब उस अपनी ही भाभी का इतना सपोर्ट करती है, सच में मैंने तो ऐसा कभी कहीं नहीं देखा है। लेकिन अंशु बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले उस अंशु को ये लोगों ने उससे दूर कर दिया, जिससे कि सपना पूरी तरह टूट जाए, बिखर जाए और वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि वही एक ऐसी थी कि उसका साथ देती थी उस घर में। फिर फाइनली वो अपनी मम्मी को बुला लेती, उनकी मम्मी आ जाती हैं और सपना को घर से ले जाती हैं। और फिर बात होती है बंटवारे की, मतलब जहाँ पे इनके मम्मी पापा को बोलना नहीं आता था मतलब वीडियो में, और वो अब बंटवारे के लिए इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, मुझसे ये देखा नहीं गया। फ्रेंड्स सच में मतलब इतने भी ऐसे लोग होते हैं कि मतलब बेटे ख़त्म हो जाते हैं, फिर बहुओं की ये हालत होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप लोग ये वीडियो इसके चैनल पर जाकर जरूर देखें और प्लीज़ सपना का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन आंटी अंकल आपने बहुत गलत किया, बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मतलब उसका सामान भी नहीं दिया, उसको घर में भी नहीं रखा प्यार से, और सपना का बहुत बुरा हाल है। लेकिन फ़िलहाल वो ठीक है, यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक है, वो अच्छी है, और हम लोग इतना उसका सपोर्ट करेंगे कि वो फिर से अपना सब कुछ बना लेगी, अपनी बेटियों को अच्छा भविष्य दे पाएगी, अच्छा पढ़ा लिखा पाएगी, सब कुछ कर पाएगी, क्योंकि हम लोग सभी लोग बहुत उसका सपोर्ट करेंगे। सच में मुझे तो बहुत रोना आया, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और सूरज वाकई में बहुत बुरा था, बहुत 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 बुरा। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने बना दिया। सच में मतलब इसके ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की रूह कांप गई होगी। मैं तो मतलब मैंने इसके 3 दिन पहले वो वाला वीडियो देखा था जो सूरज जी ने मारा था, वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसके बाद मुझे 2 दिन रात में मैं बस वही सोचती रहती थी कि मतलब ऐसा भी होता है एक ससुराल में पत्नी के साथ, जब उसके पति नहीं रहते हैं तो मतलब उसके साथ ऐसा भी होता है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मानते हैं कि आंटी अंकल के साथ बहुत 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 बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि उनके दोनों बेटे चले गए, दोनों उनके पास अब कोई भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अब जो किया है वो गलत किया है, मतलब कि अंशु को पहले भगा दिया बेचारी को, मतलब वो कितना सपोर्ट करती थी सच में बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए, साथ में रहते कभी लड़ाई कभी प्यार रहता है वो चलो ठीक है, लेकिन अब तो पूरा सोशल मीडिया में आने के बाद इस कदर सब पूरा बिखर गया है कि अब नहीं ये जुड़ेगा कभी भी, अब कभी भी ये नहीं जुड़ेगा। पर जो भी इसके साथ होता था सपने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था, बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसके चैनल पर जाओ, उसका वीडियो देखो और उसे सपोर्ट करो, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है।